कैमरे की जरूरत हो, ये अभी जा रहे हैं शूटिंग में। जी कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बहुत सारी वीडियो जिला चित्रकूट की वीडियो देख ली, आज मैं आपको दिखाऊंगा जो जिला चित्रकूट से हटके यानी कि 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको पड़ता है प्रयागराज। प्रयागराज का आज मैं आपको भी दिखाता हूं जो वहां का हवाई अड्डा है वो किस प्रकार दिखता है। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्त तक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो हम चलेंगे बाइक से और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो देवभूमि प्रयागराज का हवाई अड्डा किस प्रकार से दिखता है। तो चलो चलते हैं, फिर आगे आपसे बातें करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया हूँ IIT प्रयागराज का विद्यालय, उसी के आगे आपको पड़ता है झलवा का चौराहा। चौराहा से हम क्या करेंगे जो एक आप मान सकते हैं जो भमरौली रोड के साइड आपको पड़ती है, यानी कि आप मान लीजिए कि आपको हवाई अड्डे वाली जो रोड है उसी के साइड से हम चल रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से वो दिखता है, कितना बड़ा है, ये भी हम आपको साथ में बता देते हैं। तो आपको जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसको रीड कर लेना, सिविल लाइन्स एयरपोर्ट ये सब पढ़ लेना आप आराम से। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आखिरकार क्या है। तो आप देख लीजिए कितनी लंबी चौड़ी यहाँ की दीवारें दिख रही हैं और मैं आपको रोड की साइड लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो यही एयरपोर्ट का जो मेन ऑफिस है यहीं पे है। तो चलो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, शायद आगे अंदर जाने दे सकते हैं तो आगे आपको दिखाऊंगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बागवानी तैयार की गई है, यानी कि आप मान सकते हैं कि एयरपोर्ट जो विभाग है उसने अपना जगह कायम करने के लिए ये सारा जगह अपना रख लिए। तो यहाँ पे जो बाउंड्री दिख रही है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी कारीगरी की गई है। यहाँ पे हमारे कुंभ का और महानायक अमिताभ बच्चन जी का, दिल्ली का किला, और यहाँ पे हमें मिलेगा हरिवंश राय बच्चन जी का इमेज, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन और अमिताभ बच्चन जी की वजह से प्रयागराज को जाना भी जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यदि आप कहेंगे तो हम इनके विषय में यानी कि हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन के विषय में हम आपको वीडियो अवश्य दिखाएंगे। तो हम आ चुके हैं प्रयागराज देवभूमि एयरपोर्ट के मेन गेट पे। तो हम सीन ये है कि हम अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि अंदर जाने के लिए हमें वो काबिलियत चाहिए, वो काबिलियत हमें मिल सकती है केवल और केवल आपकी वजह से। आप यदि चाहेंगे तो हम इसके अंदर क्या हम इसके हवाई जहाज़ में भी बैठ के आपको सीन दिखा सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से इसका सीन है, आपने देखा कि किस प्रकार से देवभूमि प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है किस प्रकार से दिखता है। अब मैं आगे लेकर चलता हूँ, शायद आगे से सीन है कुछ मिल जाए। तो आप देख लीजिए बगल से कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। मैं सोच रहा हूँ कि रुको, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको मोबाइल को ऊपर करना चाह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि ऊपर कर दूँगा तो हो सकता है कुछ सीने अच्छे से आ जाएँ। तो चलो मैं आगे ले चलता हूँ। देखो यहाँ की कारीगरी और यहाँ की जो बागवानी है किस प्रकार दिख रही है, अभी मज़ा नहीं आ रहा है यार। चलो मैं मोबाइल को ऊपर करता हूँ। तो ऊपर मैं जैसा कि दोस्तों मैंने मोबाइल को ऊपर कर दिया है, मैं बाइक में हूँ और आपको किस प्रकार दिख रहा है मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने मोबाइल को ऊपर कर दिया है। पता नहीं आपको दिख रहा होगा साफ तरह से या नहीं दिख रहा होगा, मुझे तो मालूम नहीं क्योंकि मोबाइल को मैंने ऊपर रख दिया है। आपको जो भी दिख रहा होगा वो आप मैनेज कर लीजिएगा। चलो मैं मोबाइल को नीचे कर लेता हूँ। ओहो लगता है यार ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई थी यार, मैनेज कर लेना कोई बात नहीं, आप तो वैसे भी स्टेशन का यानी कि एयरपोर्ट का वीडियो देख ही लिए हैं। अब हम चल रहे हैं आगे। आगे हम दिखाते हैं कि ये जो इसकी बाउंड्री है यानी कि एयरपोर्ट की वो कहाँ तक है, और साथ ही साथ हम आपको एक चीज़ ये भी दिखाएंगे कि यहाँ के लोग यानी कि जो यहाँ के कर्मचारी वो आखिरकार रहते कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो ये आवास बना है ये पूरा प्रयागराज एयरपोर्ट के इर्द गिर्द में आता है, यानी कि उन्हीं की ज़मीन है, इसी की इसके अंदर उन्हीं के कर्मचारी इसके अंदर अपना रूम ले करके यहाँ पे रहते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। ये दोनों साइड बना हुआ है, दोनों साइड आराम से मिल सकते हैं, हम अंदर नहीं जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टावर लगा है, ये गोल गोल घूम रहा है। एक बार और मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए ये गोल गोल घूम रहा है। मैं पहली बार ऐसा टावर देखा हूँ जो गोल गोल घूम रहा हो, मैंने बहुत सारे ऐसे टावर देखे हैं लेकिन वो गोल गोल घूमता नहीं है जैसे कि आपने देखा। और यहाँ पे टंकी भी दी है, ये भी जो आवास है यानी कि जो प्रयागराज का जो आवास है ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बड़ा है जहाँ पे लोग रहते हैं और ये इसके अंदर सारे लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको मैं लास्ट तक दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे अंदर यहाँ से भी एंट्री गेट है। तो यहाँ जैसे कि दोस्तों आपको दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके और बताना, और हमें एक चीज़ और बता दूँ, इसको बताएँगे तो बाद में। ये हैं हमारे जीजा श्री, इनके पास कैमरा है, यदि आपको कैमरे की ज़रूरत हो। ये अभी जा रहे हैं शूटिंग में, यानी कि काहे की शूटिंग करने जा रहे हैं, शादी की शूटिंग में जा रहे हैं, शादी की शूटिंग में जा रहे हैं। यदि आपको भी कराना हो ना तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, इनसे संपर्क कर लीजिएगा। और रही बात कि इनका जो चैनल है यूट्यूब चैनल भी है,
तो इनको फिर कभी आपको बताएंगे, अभी इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी अपने चैनल की मेहनत करेंगे, वीडियो को सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद हम चैनल का नाम आपको बाद में बताएंगे। और तो क्या कहना चाहेंगे आप? आपका चैनल अच्छे से सब लोग सब्सक्राइब करें है? तो भाई जीजा जी कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त तक शेयर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना और अपने दोस्त तक शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय भारत।